जय हिंद दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस में आप नेम कैसे चेंज करवा सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट का आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस चेंज करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको RTO में ले जाने पड़ेंगे या फिर सबमिट करने पड़ेंगे। इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी मिलने वाली है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस चेंज करवाने संबंध में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको अपलोड करने पड़ेंगे, RTO ले जाने पड़ेंगे, कैसे इसके क्या करना है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, क्योंकि आपके क्वेश्चन का ही जो पूछे जाते हैं उसको समराइज करने वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों के क्वेश्चन का ही यह एक प्रतिउत्तर है, आप लोगों के समकक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लें और इस वीडियो को शेयर करिएगा, सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, शेयर करिए। आप लोग अपने एंड से थोड़ा सा एफर्ट जरूर किया करें इस वीडियो को, साथ साथ लाइक जरूर करें। आप लाइक्स काफ़ी ज़्यादा हमको एनर्जी मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करिएगा सभी लोगों तक। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, आपको अब जानकारी देते हैं दोस्तों। जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, इसमें बनाते समय बहुत सारे लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं खुद से, क्योंकि ज़्यादातर सुविधाएं ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से हो रही हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, जैसे कि अगर किसी का नाम राहुल है तो RAHU की जगह OS या कोई भी और अल्फ़ाबेट के बाद एल आ जाता है, वो अपलोड करते हैं तो उसमें नेम वहाँ पर करेक्शन उनका हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, नेम गलत हो जाता है। साथ ही साथ किसी के डेट ऑफ बर्थ जो भी है XYZ 2000 है लास्ट में, तो उसको 2000 बजाय 2001 हो गया, 2002 हो गया, वो भी गलत हो गया। एड्रेस है, पिन कोड जिसका भी है 211001 है, तो वहाँ पर उसके बाद 1 के बाद 2, 3 कर दिया, तो ये चीज़ें गलती हो गई। अब वो उनको तब तो पता नहीं लगेगा जब आपने आवेदन किया, सब कुछ आपने सबमिट कर दिया, दे दिया, जब ड्राइविंग लाइसेंस बन के आ जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि मैंने आवेदन तो सही किया था लेकिन ये कैसे बन के आ गया। तो यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ कि अब जो है आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आप अपना नेम चेंज करवा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन इसके संबंध में डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, आपको पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेम की, फिर डेट ऑफ बर्थ की, फिर एड्रेस की, तो आपको बताऊंगा, और इसके देने के बाद कितने दिनों का आपको वेट करना है ताकि आपका जो नया लाइसेंस है आपके घर के पते पर कब तक डिलीवर्ड होगा, कब तक आपको नया DL मिलेगा जो करेक्शन वाला होगा, वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेम की। तो नेम चेंज करवाने के लिए थोड़ा प्रोसेस लेंदी है। यहाँ पर आपको एक एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र देना होगा, 10 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर आपको शपथ पत्र देना होगा, और वहाँ पर आपको अपना नेम बताना होगा कि मेरा पुराना नेम, तो एक्चुअल नेम जो मेरा वाजिब जो आपका नाम है, सही नाम है वो यह है और गलती से ये हो गया था, मेरा सही नाम ये है, वहाँ पर शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। तो एफिडेविट देना पड़ेगा, और ये आप कहाँ से बनेगा या आप बेहतर तरीके से जानते हैं, आपने वहाँ पर कोर्ट या कचहरी वगैरह से आप जाइए उसको बनवा लीजिए। उसके बाद आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आपको अपना, अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं तो आधार कार्ड की ही फ़ोटो वहाँ पर आपके नए DL पर आएगी, लेकिन आप नई फ़ोटोज़ चाहते हैं तो आप वहाँ पर नई फ़ोटोज़ भी सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका वहाँ पर ओरिजिनल ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि जो पुराना गलत नाम वाला आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा RTO में जाके, तब आपका नया लाइसेंस बन के आएगा आपके घर के पते पर। नंबर एक नेम के लिए, नंबर सेकंड बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, या फिर 10th का सर्टिफिकेट बेस्ट होगा। नेक्स्ट है पैन कार्ड, और उसके अलावा आप ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस देंगे, तो 3 डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर दीजिए और पुराना लाइसेंस जो है वो दे दीजिए, समझ रहे हैं आप। और 3 में से अगर कोई भी एक नहीं है तो भी चल जाएगा, पैन कार्ड या 10th की मार्कशीट वगैरह है तो बेहतर होगा, या 10th का सर्टिफिकेट है आप दे सकते हैं, साथ साथ पुराना लाइसेंस सबमिट करना अनिवार्य है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड जो एड्रेस चेंज करने का, तो उसमें एड्रेस चेंज करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो बेहतर होगा कि आप आधार कार्ड दें और अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट करें। तो ये आपका हो गया। अब तीनों में आपका कॉमन क्या है वो बता देता हूँ। तीनों में कॉमन ये है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा परिवहन विभाग की वेबसाइट से, यानी कि www.parivahan.gov.in पर जाइए,
स्टेट को सिलेक्ट करिए, स्टेट वेबसाइट पर रीडायरेक्ट आपको ब्राउज़र कर देगा, वहाँ पर जाइए ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज में, उसके बाद आप वहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी। नहीं आपके स्टेट की वेबसाइट पर आ रहा है तो आप RTO में विजिट करके ये काम करवा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करना अनिवार्य है। इसके बाद आपको फ़ीस भुगतान करना पड़ेगा। फ़ीस जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है कि जो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद सारे दस्तावेज आप RTO में जाकर जमा भी करेंगे, और उसके लिए फ़ीस जो है वो 200 रुपये है निर्धारित। आप चाहे नेम चेंज करवाएं, चाहे डेट ऑफ बर्थ, चाहे एड्रेस करेक्शन करवा रहे हैं, तो 200 रुपये की ऑफिशियल फ़ीस प्लस 200 रुपये की फॉर्म 7 फीस लगेगी, टोटल 400 फीस, और प्लस 50 रुपीज़ का आपका पोस्टल चार्जेस है, यानी कि जो घर के पते पर डिलीवर्ड होगा लाइसेंस उसका, टोटल 450 रुपये आपको देने पड़ेंगे। आपके तीनों चीज़ें सही हो जाएंगी आपके ड्राइविंग लाइसेंस में। दस्तावेज मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, वेबसाइट में मैंने आपको बता दी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर यूट्यूब कमेंट से नीचे जुड़कर पूछ सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर जुड़िए, फॉलो करिए, वहाँ पर पूछिए क्वेश्चन @technicalalokji, ट्विटर पर टैग करिए, हमें टैग कर दीजिएगा, ट्वीट करिए, वहाँ पर भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, FB पर ही है, फेसबुक पर भी, तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप जुड़कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जहाँ आपको ईजीएस्ट लगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ जल्दी ही नेटअप साथ नए वीडियो में, लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।